मैं इमोशनली वीक था, तो मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे साथ हुआ। ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिनके जो बच्चे 10th में मेरिट में आ चुके हों, 12th में मेरिट में आ चुके हों, जिनकी 99-95% के ऊपर हो, ऐसे बच्चे IIT में जाते हैं। गुप्ता जी, अपने बच्चे का चांस थोड़ा कम है। हमारी तीन ही तरीके की मिस्टेक्स होती हैं, कौन कौन सी? एकेडमिक वाइज, स्किल वाइज और नेचर वाइज। ये कोई मजाक के लिए नहीं बोलता हूं मैं बार बार। आप मेरे बहुत सारे मोटिवेशन वीडियोस देखते हो, उससे ज्यादा बेहतर है आप स्ट्रेटेजी वाले देखिए, आप ज्यादा अच्छे से सीखोगे। मेरा काम यही कि क्या क्या बोला जाएगा ताकि बच्चे को समझ में आ जाए और उसका इंपैक्ट नजर आएगा। आप बेसिकली तीन टाइप की आपकी मिस्टेक्स हैं, कौन कौन सी ध्यान सुनिए, एकेडमिक, दूसरी स्किल, तीसरी नेचर स्वभाव। ये सब आपके कंट्रोल में। एकेडमिक, क्या आपको पता है मेरा कौन सा चैप्टर वीक है? क्या आपको पता है कौन सा सब टॉपिक वीक है? यानी कि सबसे आसान है कौन सी मिस्टेक्स पहचानना, एकेडमिक सबसे आसान है। हमारे लिए भी वही आसान, जो आपको मशीन सॉल्यूशन दे रही है वो एकेडमिक मिस्टेक्स का दे रही है। स्किल कैसी, स्किल जिसे कहते हैं कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके बिना कुछ भी होने वाला। स्पीड, वर्ड्स पर मिनट, ये तेज होनी, ये स्किल्स हैं। सवाल को पढ़कर समझने की क्षमता होनी चाहिए, ये स्किल है। स्किल क्या है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपको ये वाला सवाल दिया गया था, आपको पकड़ में आना चाहिए कि इसमें पी बराबर, मतलब टॉर्क बराबर पी क्रॉस ई लगेगा, ये स्किल है। आपको पता पड़ेगा कि एफ बराबर एम ए भी लग सकता है, आपको पता है प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट भी लगेंगे ताकि बॉटम मोस्ट पॉइंट की रफ्तार जीरो होनी, ये कॉन्सेप्ट है। आप में स्किल होनी चाहिए, आप तीनों कॉन्सेप्ट को लिखो और उनको इंटर रिलेट। स्वभाव, जैसे मान लीजिए मैं इमोशनली वीक था, मुझे किसी ने बोल दिया, अरे मेरे फादर के साथ एक काम करा करते थे, उन्होंने बोल दिया अरे वो ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। मैं आपको सही कह रहा हूँ, मेरे साथ हुआ। ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं जिनके जो बच्चे 10th में मेरिट में आ चुके हों, 12th में मेरिट में आ चुके हों, जिनकी 99-95% के ऊपर हो, ऐसे बच्चे IIT में जाते हैं। गुप्ता जी, अपने बच्चे का चांस थोड़ा कम है। तो मेरे को ये बात दिल पे नहीं लेनी चाहिए, उनके कहने से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं 3 दिन तक नहीं पढ़ा। दिस इज रॉन्ग। इसका मतलब ये साइन था इमोशनली वीक होने का, यस और नो? ये मुझे सुधारना चाहिए था, जो अब तो मैं सुधार चुका। अच्छा बताओ, जिनको रह के तुम अभी इम्पैक्ट ला रहे हो, जो हॉस्टल में रहने वाले, आपको एक वास्तविकता बताता हूँ क्योंकि मैं इस जीवन को जिया हुआ हूं। जिनके साथ मैं 11वीं 12वीं कोटा में पढ़ा था, वो सब दूसरी जगह के थे, उनसे किसी से भी आज हमारा संपर्क नहीं। मेरा संपर्क या तो मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स थे उनसे था, या फिर जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, मतलब मैं कह रहा हूँ जिनकी वजह से आज आप परेशान हो रहे हो, हो सकता है इनका, इनसे आपका जीवन में कोई संपर्क, जिनको लेके आप परेशान हो रहे हो। और मैं तो कह रहा हूँ जो रिश्तेदार आपको आज परेशान कर दें, जो बोल दें कि यार तेरा नहीं हो सकता, उनके बारे में सुनने की जरूरत, बल्कि उसे जुनून की तरह लीजिए कि अगर उन्हें बोल दिया कि सेलेक्ट नहीं होगा, मैं उनको सेलेक्ट होके